हम रुक क्यों गए हैं? तुम नहीं जानते हो, ये न्यूयॉर्क सिटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुछ देखा क्या? लगता है कोई टेररिस्ट हमला है। अरे कोई 911 पर फोन करो। मेरा स्क्रीन फुल है, हर जगह वही दिख रहे हैं। ये तो वायुमंडल में फिनलैंड से लेकर नॉर्थ में अमेरिकन सीबोर्ड तक भरे हैं। से साउथ कैरोलिना तक फैला है। वो मिसाइल तो नहीं है, लेकिन फिर वो है क्या? उल्का गिर रही है, उसी ने शटल को नष्ट कर दिया। एयरफोर्स वन से प्रेसिडेंट जवाब मांग रहे हैं। जनरल नासा के 11,000 लोग इस बात का पता लगा रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा हम बता देंगे आपको। सुनो काल, तुम अच्छी तरह से पता लगाओ। जी सर, आपको सबसे पहले बताएंगे। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। मैं हूँ फ्लाइट डायरेक्टर, जल्दी से होनोलुलु को मूव करो। ठीक है, हवा बल को घुमा दें। बहुत बड़ा है। आखिर ये है क्या? ये एक उल्का है सर। अच्छा, तो कितनी बड़ी है? टेक्सास के बराबर है मिस्टर प्रेसिडेंट। जी सर। क्या वो पृथ्वी पर गिर सकता है? हम पता लगा रहे हैं सर। अगर गिरा तो कितना नुकसान होगा? नुकसान? सत्यानाश सर, धरती का नाम और निशान मिटा देगा। ओह नो, फिर हम क्या करेंगे? अभी उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 18 दिन लगेंगे। दोस्तों, एस्टेरॉयड पृथ्वी के काफी करीब आ चुका है और तैयारी का समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें एक साथ 150 न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ उसे उड़ा देना चाहिए। उसे रोक नहीं पाओगे? आपका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे अंदर से उड़ा सकते हैं? हाँ, मेरा यही मतलब है। कैसे? ड्रिल करेंगे। हम सबसे अच्छा कोर ड्रिलर लाएंगे। कौन है? मैं हूँ हैरी स्टैम्पर। मुझे यहाँ भेजा गया सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस की तरफ से प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के कहने पर। सुनो जनरल, मैं साथ चलूंगा, पर एक शर्त पर। मेरी बेटी भी साथ चलेगी। और जब वो कॉमेट एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराया तो उसके टुकड़े हमारी ओर आए। पिछले 15 दिन से वो पृथ्वी पर बरस रहे हैं। जापान नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का भी नामो निशान खत्म हो जाएगा। आधी दुनिया उसकी गर्मी से खत्म हो जाएगी और आधी दुनिया न्यूक्लियर ठंड से। वो हमारी तरफ जल्द ही गिरने वाला है और वो 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रहा है। दुनिया में एक भी जीव नहीं बचेगा। प्रेसिडेंट ने इस मामले को टॉप सीक्रेट कहा है। अगर ये खबर फैल गई तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। तुम रिमोट से विस्फोट कर दोगे और ये है जीरो बैरियर। ऐसा करने के बाद उसके टुकड़े धरती पर नहीं पहुंच पाएंगे और पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। और अगर बम जीरो बैरियर के बाद फटा तो खेल खत्म।